स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में 24 घंटे में 48,762 नए केस मिले हैं, 562 मरीजों की मौत हुई, 80 लाख से ज्यादा टोटल केस हुए, 5 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,63,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1,594 नए मरीज, आज की मौत, एक्टिव केस 11,391 से ज्यादा। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 397 नए केस मिले हैं, जबकि 235 मरीज ठीक हुए हैं। जिले में अब 3,311 केस है एक्टिव, 29,115 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 246 नए केस मिले हैं, जबकि 152 मरीज ठीक हुए हैं। जिले में अब 1,086 केस एक्टिव, 24,745 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 156 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 48,710, अब भी 1,27,603 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए हैं 2,652 नए केस, अब भी 24,886 से ज्यादा केस एक्टिव, अब तक 11,053 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है, एक दिन में मिले 1,861 नए केस, अब तक 4,46,054 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक, 25,858 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 1,790 नए केस आए हैं सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,93,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 5,739 नए केस, 27 लोगों की मौत, 30,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए हैं कोरोना के 2,905 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,17,000 के पार, 26,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े में 4,53,00,000 के पार, अब तक 11,86,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई है जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के केस हैं एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई है 92,00,000 के पार, अब तक 59,83,000 से ज्यादा मरीज हुए थे। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,59,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गवाई जान, कुल मरीजों की संख्या 54,96,000 के पार। रूस में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या 15,81,000 के पार, अब भी 3,68,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 27,301 मरीजों की मौत। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा भुजाना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के समर्थन में वोट की अपील। इस दौरान हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने नंबर वन हरियाणा को 16वें नंबर पर पहुंचाया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह चुनाव बड़ौदा की प्रतिष्ठा का सवाल है, लिहाजा बड़ौदा की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। निकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी की टीम निकिता के घर पहुंची है, उसके मामा से पूछताछ की है, करीब आधे घंटे बंद कमरे में निकिता के मामा से बातचीत की। परिजनों को एसआईटी चीफ अनिल यादव ने भरोसा दिया है कि अगले 10 दिन के अंदर एसआईटी कोर्ट में चालान पेश कर देगी, परिवार फिलहाल संतुष्ट है, लेकिन चालान देखने के बाद ही पूरी जांच का पता चल पाएगा। निकिता हत्याकांड मामले में परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि यह अपराध संगठित अपराध की श्रेणी में आता है, सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत इस तरह का अपराध किया गया है, इसकी कमर तोड़ना जरूरी। धनखड़ ने यह भी कहा है कि जो परिवार चाहता है वह सरकार भी चाहती है, ऐसे अपराध पर अंकुश लगाया जाए। मुख्य आरोपी के कांग्रेस कनेक्शन पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि यह बीजेपी नहीं, मीडिया में आए खबरों से साबित होता है, यह सच है कि उनके एमएलए आफताब अहमद के परिवार से आरोपी संबंध रखता है।
प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार मजबूती से इस केस की जांच करेगी और किसी भी सूरत में किसी बेटे के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। निकिता के घर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी पहुंचे। परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने निकिता को इंसाफ दिलाने की मांग की। फरीदाबाद में छात्रा की हत्या के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडागर्दी और छेड़छाड़ के मामले बढ़े। सैलजा ने मांग की है कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, दोषियों को सजा मिले और इस दौरान कुछ लोगों ने सैलजा का विरोध भी किया है। लौटते वक्त काफिला रोकने की कोशिश भी की गई। निकिता हत्याकांड को लेकर पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। हुड्डा ने कहा कि बल्लभगढ़ का आरोपी कांग्रेस से नहीं बसपा पार्टी से है और कांग्रेस सरकार के दौरान अपराधी प्रदेश छोड़ गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अपराधी की नहीं होती कोई जाति, धर्म या पार्टी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और सजा दिलवाना सरकार का काम होता है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि निकिता परिवार की नहीं समाज और देश की बेटी है, उसको सरकार जल्द से जल्द न्याय दिलाए। सुशील गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री को निकिता के परिजनों से मुलाकात करनी चाहिए। हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में रोजाना 4 बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। निकिता हत्याकांड को लेकर हिंदू राष्ट्र सेना के तत्वाधान पर असावटा मोड़ से लेकर लघु सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन निकाला गया है और साथ ही निकिता हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। पूर्व विधायक शारदा राठौर ने कैंडल मार्च निकालकर बल्लभगढ़ हत्याकांड के दोषियों का एनकाउंटर करने की मांग भी की है। पूर्व विधायक ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो सकता है तो हरियाणा में भी उसका एनकाउंटर किया जाना चाहिए। तब तक निकिता के हत्यारों को सजा नहीं मिली तो उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहे। निकिता हत्याकांड में तौसिफ और रेहान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। निकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी कौशिक को पिस्टल उपलब्ध कराने वाले एक और आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुनहाना से गिरफ्तार कर टीम फरीदाबाद लेकर पहुंची। पिस्टल मुहैया कराने वाले आरोपी में पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी ने कॉलेज के सामने निकिता को गोली मारी। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की पूछताछ में निकिता के हत्यारे तौसिफ ने कबूल किया है जुर्म, कहा हत्या करने के इरादे से ही देसी पिस्टल लेकर आया था। तौसिफ का परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है। तौसिफ का मामा गुरुग्राम में 2016 में पुलिस इंस्पेक्टर का अपहरण कर चुका है जिसकी सजा वो भोरसी जेल में काट रहा है। जेल में बंद मामा से भी एसआईटी पूछताछ करेगी। बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के सामने छात्र धरने पर बैठे एबीवीपी छात्र संघ के दर्जनों छात्र छात्रा निकिता को न्याय दिलवा रहे हैं। भविष्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी देने की मांग को लेकर पूरी रात धरने पर बैठे रहे। छात्रों ने मांग की है कि निकिता के हत्यारों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाएगा। प्रशासन कॉलेज के अंदर छात्राओं को सुरक्षा की जिम्मेदारी लिया और ये सब उन्हें लिखित में चाहिए। फरीदाबाद में पुलिस पर अग्रवाल कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठे युवाओं को परेशान करने का आरोप लगा है। पुलिस आधी रात को टेंट उखाड़ कर ले गई है। खुले आसमान के नीचे छात्रों ने रात गुजार। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से शिष्टाचार भेंट की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। रामविलास शर्मा ने कहा कि अगर हम अपने त्योहारों पर मेक इन इंडिया वस्तु पर जोर दे सके तो निश्चित रूप से अपने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से उठाने की रणनीति पर फिर से काम करना होगा। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर स्थित हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में श्रोमणी अकाली दल अमृतसर में जाम लगा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तीन किसी कानून पंजाब और किसानों के लिए घातक सिद्ध।
पानीपत जिले के बापौली ब्लॉक में महिला को गोली मार दी गई। महिला को गंभीर अवस्था में पानीपत के सामान्य अस्पताल में लाया गया है, जहां से उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोनीपत की नारकोटिक सेल ने ऐसे शख्स को 9 देसी पिस्तौल और साथ ही 17 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गोखाना में मौजूद। नारकोटिक सेल इंचार्ज ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि खदराई रोड पर एक शख्स अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ घूम रहा था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। गन्नौर के गांव दातौली के रहने वाले हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी के घर के बाहर अज्ञात युवकों ने हवाई फायरिंग कर दी है। फायरिंग करने वाले युवकों की वीडियो भी वायरल हो रहा। युवकों ने खुद को एक महीने पहले सुसाइड कर चुके गायक का जानकार बताया है। सुमित गोस्वामी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई और मौके से फरार हो गए। पंचकुला में 3 बच्चों को अगवा किए जाने का मामला भी सामने आया। बच्चों को ले जाते हुए महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसआई ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर लोगों से आह्वान भी किया है कि सीसीटीवी में दिख रही अगर ये महिला और 3 बच्चे किसी को नजर आए तो उन्हें सूचित करें, ताकि बच्चियों को महिला के चंगुल से छुड़ाया जा सके। हांसी में असामाजिक तत्वों पर नकेल कसते हुए एसडीएम ने टिकोना पार्क इलाके में रेडियो पर छापे मारे हैं। एसडीएम ने फास्ट फूड रेहड़ियों पर सरेआम लोगों को शराब पीते हुए पकड़ा। कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन के साइड इफेक्ट सामने आने लगे। फरीदाबाद पुलिस ने एक युवक को फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सामने आया कि युवक पहले एक जिम ट्रेनर था। फरीदाबाद में डॉक्टर्स 5 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जिम ट्रेनर था, लेकिन लॉकडाउन में तंगी के चलते उसने एक कदम उठाने की कोशिश की। कोसली में एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी। करनाल के ऊंचा समाना गांव में 2 मौसेरे भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है। झगड़ा पैसों के लेन देन को लेकर हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। 8,000 रुपए को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। झगड़े में 30 साल के सुरेश की मौत हो गई। हिसार के राजगढ़ में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक मिठाई फैक्ट्री पर छापेमारी की है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को यहां पर 300 किलो रसगुल्ला और 300 किलोग्राम के करीब गुलाब जामुन तैयार मिले। काफी मात्रा में मिठाई बनी होने के चलते काफी मिठाई खराब हो चुकी थी, जिसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया। फ्लाइंग टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां मिष्ठान फैक्ट्री में कुछ अनियमितताएं हो रही हैं। मौके पर फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर अरविंदजीत सिंह ने मिठाइयों के सैंपल भी लिए हैं और साथ ही फैक्ट्री के कामकाज भी जांच रहे हैं। यहां जो अनियमितताएं मिलेगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उचाना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक दूध की डेयरी पर छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी दूध से बना 260 किलो मावा बरामद किया। मावे के साथ देसी घी, दूध, क्रीम को भारी मात्रा में जब्त कर जांच के लिए भेज दिया गया। उचाना में सीएम फ्लाइंग की टीम की हो रही लगातार छापेमारी के चलते क्षेत्र के अधिकतर दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग। पलवल में मिठाई की दुकान और 2 परचून की दुकान के साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर छापेमारी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर सैंपल भी लिए। होडल डकोरा रोड पर गौछी नहर में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक जा गिरा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों को दमकल विभाग के मौके पर बुलाया। युवक के शव को नहर से बाहर निकाला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाई जा रही DLH परीक्षा से संबंधित छात्राएं यानी कि अध्यापकों के आंतरिक प्रायोगिक मूल्यांकन की आज सभी संस्थानों से ऑनलाइन भरवाने के लिए 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2020 तक तिथि निर्धारित की गई।
नितिन सामान्य अस्पताल का कोविड 19 आईसीयू गुरुग्राम के मैदान अस्पताल के आईसीयू को टक्कर दे रहा है। कोविड 19 मरीजों को सामान्य अस्पताल के आईसीयू में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, तो बड़े नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए चुकाकर उपलब्ध होती है, जबकि सामान्य अस्पताल में कोविड 19 मरीजों की सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। सिरसा पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी देने मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 14 साल पहले की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती इस पूरे मामले में तत्कालीन पीसी केसी भारद्वाज सहित 9 अधिकारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। कलायत के अनाज मंडी में उठाना होने से लगी जाम, कुछ से गुस्सा है, मजदूरों ने कामकाज ठप करते हुए हड़ताल भी शुरू कर दी। वहीं प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए मजदूर मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी भी की गई। जींद में विधायक की गाड़ी रोकने वाले जींद के सिटी ट्रैफिक थाना प्रभारी चरणजीत सिंह सुर्खियों में आ गए हैं। चरणजीत सिंह का सामान्य अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। दरअसल विधायक कृष्ण मिर्धा ने आरोप लगाया था कि चरणजीत सिंह नशे में थे। चरणजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने रॉन्ग साइड पर पार्किंग की और विधायक की गाड़ी के ड्राइवर को साइड में पार्किंग करने के लिए कहा था, लेकिन साथ ही सीट बेल्ट बांधने की नसीहत भी दी थी। अब चरणजीत सिंह की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद साफ होगा कि इंस्पेक्टर ने नशा किया था या नहीं। में सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के अस्थायी कर्मचारी ठेका प्रथा समाप्त करने और सभी कर्मचारियों को पेरोल देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल में चले गए, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पर असर भी पड़ेगा। फायर ब्रिगेड की सेवाएं भी प्रभावित होंगी। वादा खिलाफी से खफा घरौंडा नगर पालिका के कर्मचारी 2 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे नगर पालिका कर्मचारियों ने नारेबाजी की। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। झज्जर में परिषद सफाई कर्मियों ने दूसरे दिन भी भूख हड़ताल की। सफाई कर्मियों के 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने भूख हड़ताल जारी रखी। संगठन की तरफ से 3 दिवसीय भूख हड़ताल की घोषणा की गई। कर्मियों की भूख हड़ताल को बाकी कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन दिया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नगर पालिका कर्मचारी संघ पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी कर रही। संगठन की तरफ से मांग की गई कि समान काम समान वेतन लागू हो, अस्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करें। नगर निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पंचकुला सेक्टर 14 कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। फरवरी महीने में बजट का हवाला देते हुए कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, अब उन कर्मचारियों को दोबारा से नौकरी देने की मांग की जा रही है। नगर निगम कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि नगर निगम में काम करे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देना चाहिए और ठेका प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए। पलवल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रोजगार मेले में पलवल और फरीदाबाद की तमाम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। मेले में ही युवाओं का इंटरव्यू लेकर उनको नौकरी के अवसर भी प्रदान किए गए। इस रोजगार मेले के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, हेल्पर और ऑपरेटर सहित कई पदों के लिए कंपनियों ने युवकों को कैंपस प्लेसमेंट भी दी। आगामी 1 नवंबर से अंबाला में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है, जिसको लेकर अंबाला छावनी नगर परिषद ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बैन के बाद इस्तेमाल करने पर 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के जुर्मानों का प्रावधान भी किया गया। एक तरफ जहां इस बैन से पर्यावरण को फायदा होगा तो वहीं दूसरी तरफ इस बैन से डिस्पोजल सामान बेचने वाले दुकानदारों की चिंताएं भी अब बढ़ गई है। उनका कहना है कि पहले कोरोना के चलते उनका सारा काम चौपट हुआ है, अब प्रशासन जो है वो भी इस बात को लागू करने पर तुला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी के घर पर दशहरे के दिन हुई आगजनी के मामले में मुख्यमंत्री और अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि कृष्ण बेदी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जिन लोगों ने किसानों की आड़ में कृष्ण बेदी के घर पर आगजनी की उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
यमुनानगर में ओवरलोड के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार ओवरलोडिंग की शिकायतें मिलने के बाद अब आरटीए विभाग ने ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 दिनों में 6 लाख से अधिक जुर्माना भी किया। सिरसा के नवनियुक्त उपायुक्त प्रदीप कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उपायुक्त सिरसा के कार्यभार संभालने से पहले प्रदीप कुमार के निर्देशक मौलिक शिक्षा अतिरिक्त सचिव हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर अपनी सेवा दे रहे थे। इसके पहले साल 2000 से 2001 तक जम्बाली में भी एसडीएम और साल 2016 में सिरसा में अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके। वैश्य समाज के प्रतिनिधियों की एक बैठक इस साल के अग्रोहा धाम में हुई है। वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में इस बैठक में अग्रोहा धाम में शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम और वैश्य समाज के संगठन के देश और प्रदेश में विस्तार करने पर भी विचार किया। पूरे देश में शहीदों की याद में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कार्यक्रम किए जाने। सिरसा के पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम हुआ। पुलिसकर्मियों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि। शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर ब्रास बैंड ने लोगों को शहीदों के बारे में बताया। पुलिसकर्मी ने बताया कि उनका उद्देश्य युवा पीढ़ी को शहीदों के प्रति जागरूक करना है ताकि युवा भी देश सेवा के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लें। पंचकुला में पुलिस फ्लैग डे के मौके पर पंचकुला पुलिस ने बैंड प्रोग्राम का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम में पंचकुला पुलिस के जवान बैंड बजाते हुए नजर आए। चरखीदाद्र जिले में पुलिस फ्लैग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शहीद हुए पुलिस कर्मचारियों के बारे में स्कूल के बच्चों को जानकारी दी गई। प्रदेश में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सम्मान देने के लिए पुलिस फ्लैग दिवस 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान जिले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की शहादत को याद करने के साथ उनके परिवार वालों को भी सम्मानित किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकिस्तान के मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। पाकिस्तान के संसद में विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के वाक्य पर कबूलनामा किया गया है, जिसे लेकर नड्डा ने ट्वीट किया। पलवल में पुलिस की डिटेक्टिव सेल टीम ने हत्या के मामले में 6-7 से फरार चल रहे 5,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का एक साथी फिलहाल फरार है और 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि डिटेक्टिव सेल टीम के इंचार्ज को मुखबिर खास से सूचना भी मिली। पुलिस ने मौके पर दबिश दी है, आरोपी को काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आरोपी ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर कैब बुक की और रास्ते में पहले शराब पी और गाड़ी लूटने की नीयत से गला रेतकर चालक की हत्या कर दी।